हे गाइस, तो चलिए मैंगो काफ़ी आ चुके हैं सीज़न में और उसी से बनाते हैं हम एक बहुत इजी और यमी सा डेज़र्ट। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है। आप कोई सा भी जो दूध होता है आप घर में यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए और फिर एक कटोरी में मैंने 1 बड़ी चम्मच सिरके को पानी के साथ घोल लिया है और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे और दूध को मिक्स करते रहेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो दूध है ना वो हमारा अच्छे से फट ना जाए। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का जो रस होता है ना आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दूध में से छेना अलग हो गया है और जो पानी है ना इसका वो ग्रीन ग्रीन सा अलग हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, इसे हम छान लेंगे एक छलनी से। तो छलनी से पहले हम एक कपड़ा उसके ऊपर लगा लेंगे कॉटन का। मैं यहाँ पे हैंकी यूज़ कर रही हूँ, कोई साफ सा आप मलमल का कपड़ा या जो नॉर्मल कपड़ा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है कि सारा जो छेना हमने फाड़ के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे ऊपर से। थोड़ा सा जो फ्रेश नॉर्मल वाटर होता है वो हम डाल देंगे, उससे क्या होगा कि जो सिरका या नींबू जिससे भी आपने दूध फाड़ा है ना उसकी खटास इसके अंदर नहीं रहेगी। वरना जो क्या होता है कि जो उसका छेना बनता है ना थोड़ा खट्टा खट्टा बन जाएगा। तो धोने के बाद उस कपड़े को हम इस तरीके से रोल कर देंगे ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। घुमा घुमा के इसको निचोड़ लेंगे और उसके बाद ना इसको छलनी में ऐसे ही 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी पानी बचा कुचा है वो निकल जाए और हमारे पास बचेगा प्योर छेना। तब आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और ये देखिए जो छेना है ना बिल्कुल ये पनीर की तरह जैसे हम बनाते हैं ना दूध फाड़ के, तो वैसा बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसे निकालेंगे एक बोल में और हाथों से इसे अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसको और बिल्कुल सॉफ्ट सा हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए पूरा हमने इसका चूरा चूरा बना लिया है। अब इसके अंदर हमने डाला 1 चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी यूज़ की है, 2 इलायची को पीस के उसका पाउडर बना लिया वो डाल दिया। चीनी हम यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको मैंगो भी यूज़ करना है। तो वो डिपेंड करता है गाइस कि आपके मैंगो अगर ज़्यादा मीठे हैं तो कम चीनी डालिए, अगर मैंगो कम मीठे हैं तो थोड़ा सा चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स थोड़ी सी लंबाई शेप में बना लेंगे हाथों से प्रेस करते हुए। ये देखिए तो बॉल की जो शेप है आप उस हिसाब से बनाइएगा कि जितना बड़ा आपका मैंगो होगा। अगर मैंगो बहुत बड़ा है तो फिर थोड़ी सी लंबी और बड़ी बॉल बनाइए, और अगर मैंगो छोटा है तो थोड़ी सी बॉल की जो साइज़ है वो आप छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिया है हमने एक आम और इसको हम क्या करेंगे अच्छे से धो लिया है और इसका छिलका उतार लेंगे। पूरा छिलका उतार लेने के बाद अब क्या करना है ना गाइस, इसकी हमें पतली पतली स्लाइसेस काटनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ नाइफ का यूज़ कीजिएगा। तो पहली स्लाइस ऐसे काट लेंगे, इसको साइड रख दीजिए, उसको आप मैंगो शेक या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। और उसके बाद ना हम यहाँ से इसकी पतली पतली इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने जो इसके कॉर्नर्स है वो निकाल दिए थे और ये देखिए स्लाइसेस हमारी रेडी हो गई हैं। और अब क्या करना है कि अब ना वो जो रोल हमने बनाया हुआ था छेने का वो इसके अंदर हमको रोल कर देना है। ये देखिए बिल्कुल यमी सा आपका जो ये है ना मैंगो संदेश बन के रेडी हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा यमी होता है और बड़ी आसानी से बन भी जाता है। तो अब क्या करना है कि जब हमने सारे रोल रेडी कर लिए तो ऊपर से हम इसको और एक फ्रेश लुक देने के लिए हम एक पुदीने की पत्ती लगा देंगे और ये आपका मैंगो संदेश बन के रेडी है। फ्रिज में रखिए और इसको ठंडा ठंडा इन्जॉय कीजिए। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching.